हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज पता है हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? मीम्स। क्योंकि भाई 7 दिनों से मैं हंसा नहीं हूँ, समझ रहे हो तुम? 7 दिनों से, बस इसीलिए मीम वीडियो ला रहा हूँ। ओके, तो चलो वीडियो के स्टार्ट करते, ज्यादा बकवास नहीं करते, लेट्स गो। तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो यहाँ? जी जी। अरे ये डाली पे क्या खपे फूल? एक सेकंड, ये कैसे हो गया है? क्या भाई, ये चोरी सीन्स क्या कर रहा है यहाँ पे? और ये क्या कैट बना रहे भाई? ये एक एक फ्लोर से गिरा है ये बंदा। और उतने हेलो, कहाँ लेटरिंग में चली गई क्या तू? पागल हो रही हो क्या? हवा सही बात है भाई। देखो, तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी है तो भाई उसको मत छोड़ना, ठीक है? रीजन देख लो तुम भाई, रीजन देख सकते हो तुम खुद। भैया बाल बच्चे बीवी वाले हो गए हैं यार, कुछ तो मेहनत करनी पड़ी। हमारा पुराना कारोबार है किसानी का, तो भैया अच्छा। अनाज बोते हैं, अनाज खाते हैं, अनाज बेचते हैं, ऐसे ही चल जाता है। क्या कह रहे हो, ये भी काम कर रहा है लेकिन तुम लोग घर में बैठ के बस रोटी तोड़ रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कैसे हो सकता है? नॉर्मल पीपल, ब्लाइंड पीपल। ओके, देखा आपने लापरवाही का नतीजा? आदित्य जो भी कर रहा सही है, तेरे डैड बहुत सही जा रहे ले ब्रो। तू सिर्फ चलते रहे, तेरे डैड का सुन, किसका मत सुन ब्रो। लव यू, बहुत प्यार तेको। संदीप माहेश्वरी, तू नरेंद्र मोदी जी। क्रिकेट में किसका फैन है? सूर्य कुमार यादव भी 360 डिग्री के। 360 डिग्री के? हाँ। अरे वाह। और किंग कोहली के नहीं? ना। किंग कोहली जानते हो, बहुत बड़ा क्रिकेटर है। नहीं, 100 रन मारते हैं तो वो अपने मौगी के चुम्मा देता। ठीक है भाई, मैं प्यार करता हूँ, इतना मारता नहीं हूँ कभी, तो मैं मेहरारू का गुलाम हो गया। ठीक है भाई, आपका मेहरबानी भाई। डबिंग बढ़िया थी लेकिन, इमेजिन करो अगर ये विराट कोहली देख रहे होंगे तो। कल्लू चलो 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 मालिक, हमारे माउंटेन डीओपी है, माउंटेन डीओ, तुम चलो। तो कल्लू हमारा माउंटेन डीओपी ने चला गया। यार पीछे जाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था भाई उसका। नॉटी बच्चे। क्या बात है सर, क्या बात है सर? चम्मच ऊपर चम्मच, चम्मच में जीरा। अच्छा, हमारी मैम लाखों में हीरा। क्या सोच, वाह वाह वाह। शायरों से भी बढ़िया शायर लिखा है भाई बच्चे ने। एक सेकेंड, ये बच्चे के पापा ने लिखा है क्या? बच्चा रियली बॉर्डर। हाय रे भाई, उठा। अरे उसको उठा। ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की। भाई देखो, ऐसे तरफ जा रहे हैं हम जहाँ पे माँ रील बनाने के चक्कर में अपने बच्चे को भी छोड़ दिए। भाई वो पड़ा हुआ है, आप कैसे रील बना सकते हो? क्या कर रहे हो? कौन है आप लोग? ये लोग सीआईडी से, तृप्ति। कुछ तो गड़बड़ है। I didn't see this coming, bro. खान सर didn't even hesitate. निवेदन करना चाहते हैं। अच्छा क्या? अच्छा, हाँ, बताइए। सर मेरा सपना साइंटिस्ट बनने का, क्या आप मेरे साइंटिस्ट बनने का सपना में साकार करने में मेरी मदद करेंगे? कुछ ही बढ़िया रहा है छुट्टा कहीं का, चार जूता देंगे यही होश में आ जाओगे। वैसे भी बात सही है यार खान सर की, मोटिवेशन दे देगी, इतने पैसे तो कमा लिए, अब क्या चाहिए तुम्हें? साइंटिस्ट बनना है? खान सर भी जानते पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है।
इमोशनल टाइम। बनना क्या आपको फ्यूचर में? बनना क्या? अभी देखिए रिजल्ट आएगा तब ना। रिजल्ट आएगा तब विधायक उधायक बन जाए। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, फेवरेट सब्जेक्ट कौन? फेवरेट बैगन। आपका क्या है? बायो। अच्छा बायो। बायो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। यही होता है देखो, अगर बैक वेंचर सबसे अगर पूछोगे ना तुम सवाल, तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे भाई। वो नहीं सोचते भाई कि सामने कौन है क्या है, तुम्हें तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे, इसलिए बैक वेंचर के बाद मत जाया करो। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरी बस की बात नहीं। क्या बात? मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आँखों में आँखें डाल का कहा, चल झुट्टे तेरी माँ की चूर। लेकिन एक सेकेंड भाई, नाइस, वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन, नाइस, डैम। एक है सोनू प्यारा प्यारा घर वालों का राज। ओ सुपर मारियो। जब स्कूल की आती बारी मन हो जाता भारी भारी। अच्छा, पर मम्मी पापा सोनू से बहुत प्यार है करते, नहीं देख सके उसे रोते भी लगते। किया उन्होंने समझदारी का काम, सोनू का इंदु आईटी स्कूल में डाला नाम। इंदु आईटी स्कूल? पर वहाँ ऐसा क्या है खास? A few minutes later. अरे वो पीछे, यही मैं बोल रहा था अभी। अच्छा अब मुझे समझ में आया यार कि मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता था, स्कूल जाने का मन क्यों नहीं करता था। मुझे भी इंदु आईटी स्कूल जाना था। अरे आपको मशीन एक गाना दिखा रहा हूं मैं कि ये देखो, ये देख रहे हो ये कहां है, ये सब बकेट जेसीबी, जेसीबी का अनबॉक्सिंग देख रहे हैं। ये क्या करेगा ना, ये सोसाइटी खत्म कर देगा। कि एक कॉलेज जो मेरे से इतना ही दूर बैठा है जितना आप बैठे हो, उसको एक फोन आता है आपकी नौकरी गई, उसका कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, वो शायद 5-6 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है, एंड सडनली एक सिक्योरिटी गार्ड एक बैग के साथ आता है और उसको ऑफिस से बाहर निकालता है। आपको क्यों नहीं निकाला गया उस कंपनी से? अरे उनका आप लोगों को भी मजा तो जरूर आया होगा, मुझे पता है यार, झूठ मत बोलना, अभी तक देख रहे हो तो मजा तो आया होगा भाई। तो इसी मजे के लिए एक लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, आगे और भी ऐसी मस्त मस्त वीडियो आती रहेंगे। ठीक है, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।